अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत होंगे। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसा कि हम पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और हमें रिकॉर्डिंग के दरमियान में यहाँ एक वाटरमार्क दिखाई देता है www.thundershare.net कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप इस वाटरमार्क को कैसे रिमूव करेंगे, वो भी फ्री तरीका होगा और बहुत ईजी तरीका लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वैसे तो ये पेड है, मगर मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि आप इसको कैसे फ्री में वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। फिर बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अब हम यहाँ इसके ऊपर जाएंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ ओपन फाइल लोकेशन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ आपने ऊपर चले जाना है और थर्ड नंबर पर आपने लैंग्वेज को डबल क्लिक करना है, और यहाँ आपने इंग्लिश को डबल क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। तो आपने यहाँ इसको बिल्कुल लास्ट पर चले जाना है, और यहाँ से आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है। आपको दिखाई देगा कि वाटरमार्क 1, वाटरमार्क 2, वाटरमार्क 3 कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। थोड़ा सा आपने ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हैं ये वाटरमार्क 1, वाटरमार्क 2, वाटरमार्क 3, और आप देख सकते हैं सेकंड वाटरमार्क भी हमें दिखाई दे रहा है www.share.net। तो अब मैं इसको करूँगा, अब मैं इसको डेल कर दूंगा। तो अब ऐसा हो गया। और आपने इसको सेव कैसे करना है, फाइल पर जाना है ऊपर, और यहाँ आपने कंट्रोल एस है, आप इसको सिंपली यहाँ सेव कर दें। और अब आप दोस्तों अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बगैर किसी वाटरमार्क की होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।